ऑल राइट, सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द डे टुडे. एंड ट्रस्ट मी, हम लोग नॉर्मली कैजुअल्स पहनते हैं, जीन्स एंड टॉप, बट यू नो इंडियन पहनो ना, उसका एक अलग ही लुक होता है. तो आई एम रेडी फॉर द मीटिंग. तो काम का जो मीटिंग है वो फिनिश करती हूँ, एंड उसके बाद जो आसपास जगह होंगी वो तो एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगी. बट आई एम वेयरिंग दिस सिंपल पिंक, यू नो, कॉटन शरारा काइंड ऑफ थिंग. तो कुर्ती है, ये दुपट्टा है विद सम गोटा वर्क, एंड दैट्स द लुक ऑफ डे टू. इन सो फाइनली आई हैव लेफ्ट द रूम, एंड ये बड़ी प्यारी सी लॉबी है. निकलते ही बाहर ये सुंदर सा मिरर है, इट्स गिविंग सच अ रॉयल वाइब. माई गॉड, सो प्रिटी. सो गेटिंग लेट फॉर वर्क, फिर मिलते हैं. ऑलराइट, सो फाइनली मेरी वर्क मीटिंग ख़त्म हो गई है, एंड आई विल शो यू अराउंड. मैं होटल वापस आ गई हूँ. लुक एट द व्यू, इतना अच्छा लग रहा है. लेकिन आई एम वेरी हंग्री, तो सबसे पहले खाना खाऊंगी, फिर आपको होटल टूर भी दूंगी एंड अपना रूम टूर भी दूंगी. सो कीप वॉचिंग. ओके, तो डिनर की शुरुआत मैं कर रही हूँ टोमेटो सूप के साथ. एक्चुअली गरम गरम, यू नो, बहुत टेस्टी लगता है विथ सम ब्रेड क्रम्स. और डिनर में मेरा मन कर रहा है आज रोटी एंड सिंपल जीरा आलू का. तो पहले तो सूप पीती हूँ. नाइस, एकदम ऑथेंटिक, यू नो, काली मिर्च डाल के सूप भी अच्छा लगता है. एंड यहाँ आ गया है मेरा डिनर, बहुत सिंपल, जीरा आलू और दो चपाती. ओके, सो नाउ टाइम फॉर स्वीट डिश. और मैंने मंगाया है गरम गरम गुलाब जामुन. ओ माय गॉड, दिस लुक सो यमी. ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी है. तो रात को इमेजिन में मीठा खा रही हूँ, बट दैट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स वन लाइफ. मैं इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में नहीं जीती हूँ. कभी कभी चल गरम है, बस यमी. ये मेरी विंडो के बाहर का व्यू है, सो ग्रीन. तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर है, और सुबह सुबह की तो वाइब ही अलग है. अभी मैं एक दिन और हूँ कानपुर, तो मुझे लगा ब्रेकफास्ट के लिए आई हूँ, तो सुबह सुबह आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ. मतलब बॉम्बे की भागा दौड़ी से, एंड यू नो, ट्रैफिक पोल्यूशन से, दीज थिंग्स, यू नो, आर सो सो डिफरेंट एंड सो रिलैक्सिंग. चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, स्विमिंग पूल है, पूरा यू नो ग्रीन ग्रीन, बहुत ही कामिंग है. वाओ, दिस इज़ लुकिंग सो प्रिटी. एक्चुअली आप ट्रैवल करते हो ना, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको या तो बचपन की याद दिलाती हैं, कुछ नॉस्टैल्जिक वाइब होती है. तो ये कॉर्नर बहुत ही प्यारा लग रहा है. मैं सोच रही हूँ, टाइम तो नहीं है, बट एटलीस्ट एक बार देखने तो आऊँ. तो बहुत ही प्रिटी इन लोगों ने डेकोर बना रखा है. लाइक ये फुल स्विंग है, लाइक बेड स्टाइल, एंड दिस इज़ द सेंटर. ये भी ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है. And if you see the top, they have given an illusion of a tree. एक व्यू, ये illusion वाला पेड़ है. ये circle पे इन्होंने कुछ flowers, and ये बहुत ही pretty look है. This is so pretty. And this is the entry of spa room. So बहुत ही traditional Ayurvedic spa center type है. The bed is there and decorated with real flowers. And these stone and pebbles. तो ये है. और यहाँ पे within the room there is a, you know, steam bath center also. छोटा सा एक section बना रखा है. And बाहर ये एक window है with these blinders on. And ये भी एक झूला pattern में, जो इनकी theme है कि entrance पे भी झूला दिया है और यहाँ भी. तो बहुत ही tempting look आ रहा है. I don't know, will I get a time to get spa or not? Sent to the spa center, there is also gym provided. तो basic, you know, workout करना है वो भी इन लोग ने कर रखा है. So ये पूरा एक gym का look है. And this is me. यहाँ पे there is facility of salon also. Actually शायद ये झूले इनकी theme है, तो बड़े बड़े long swings दे रखे हैं. बेसिक, यू नो, स्पा चेयर एंड बेसिक, बहुत ही ट्रेडिशनल वाइब है. सो दिस इज़ द पार्लर कम सैलॉन, जो भी कह लो वो है. अगेन दिस इज़ आई थिंक सेक्शन फॉर मसाज और वैक्सिंग इफ यू हैव टू गेट समथिंग डन. एंड दिस इज़ मी अगेन, हाय.
एंड दिस इज द लुक ऑफ टर्किश मसाज. बेसिकली बहुत ही ऑथेंटिक ट्रेडिशनल वे में सारा उपटन रेडी होता है. ये पूरा जो डूम स्टाइल बना रखा है वो स्टीम ये रूम रेडी होता है. एंड दे फिल इट विद मिल्क एंड रोज पेटल्स हनी एंड एक्चुअली अ ब्यूटिफुल टर्किश मसाज सेंटर. जो इनका डेकोर है रिजॉर्ट का बहुत ही ट्रेडिशनल है. डे थ्री इन कानपुर एंड दिस इज द आउटफिट विच आई एम वेयरिंग. अ वेरी वेरी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल कुर्ती एंड हेडिंग फॉर ब्रेकफास्ट. तो चलो नाश्ता करते हैं. मैं आ गई हूँ फॉर ब्रेकफास्ट. सो दे हैव दीज मिल्क केक्स एंड दीज कप केक्स. ओ माई गॉड, नाउ आई एम टेम्पटेड कि मैं क्या लूँ. नहीं, सुबह सुबह डोनट, नो नॉट फॉर मी. एंड ब्रेड है, फ्रेश फ्रूट्स है. आई थिंक या तो मैं पाव भाजी खाऊंगी आज या ओके छोले भटूरे का भी ऑप्शन है. एंड दिस इज देसी पोहा वी कैन हैव. तो ये मैंने लिया. सांभर है, इडली है, नारियल की चटनी एंड भाजी और मसाला चाय. तो शुरू करते हैं. सुबह सुबह ना बुफे का ब्रेकफास्ट इज अ डिफरेंट वाइब. मतलब अलग ही मज़े आते हैं सुबह के बुफे में. तो ये मैंने अपनी चॉइस का लिया. केलॉग्स है, ऑमलेट है, बट आई एम अ वेजिटेरियन. तो मेरा जो भी कुछ है वो बिना प्याज लहसुन का है. तो जल्दी से एक्चुअली इडली भी गर्म है. नाश्ता करते हैं और फिर बाहर चलते हैं. एंड आफ्टर अ लॉन्ग डे आई एम बैक इन द रूम. एंड अभी मैंने ऑर्डर किया है वर्जिन मोइतो. आई नीडेड दिस. इतनी गर्मी है, दिस इज सो रिफ्रेशिंग. तो ये फिनिश करूँगी और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि आज मैं डिनर में क्या कर रही हूँ. चलो डिनर शुरू करते हैं. ये मैंने मंगाया है थोड़ा सा सैलेड, साथ में येलो तड़का दाल, दम आलू एंड वन चपाती. लेट्स स्टार्ट. नाइस. अच्छा टेस्टी खाना है. मीठे में मैंने मंगाया है मूंग दाल का हलवा. एंड कल सुबह आई हैव अ अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट सो आई हैव टू वेक अप बाय 7. ऑलराइट, सो फाइनली आई एम ऑफ टू कैच माय फ्लाइट लीविंग बॉम्बे एंड इन माय नेक्स्ट व्लॉग